मम्मी जी, मुझे आज भी याद है जब आप हमारे घर आया करती थी तो एक ही बात मेरे माता पिता से कहती थी कि आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितनी होशियार है, काश कि मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की आपको पहले अच्छी लगती थी बहू बनते ही बुरी लगने लगी? नेहा अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बहू मुझे तुम्हारे लक्षण पता ही कहाँ थे, मैं तो सोचती थी जो मीठा बोलती है, सबकी सेवा करती है, वो हमारे घर परिवार के लिए अच्छी होगी। पर जब तुम इस परिवार में शामिल हुई, कुछ दिन तक तो तुम वैसी ही रही, धीरे धीरे तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नेहा बोली, मम्मी जी, दूसरे परिवार और समाज से आई हुई एक लड़की जब ससुराल में आती है तो प्यार और परिवार का समर्थन चाहती है, तभी तो उस परिवार में उसे अपनापन मिलता है। सच कहा आपने, शुरू शुरू में मुझे अपनी माँ की याद तक नहीं आती थी क्योंकि आपसे भरपूर प्यार मिलता था, पर न जाने क्यों आपने मुझे कुछ रोज के लिए ही बेटी माना, बाद में बहू ही समझने लगी। कमला जी बोली, बहू हो तो वही समझूंगी ना, ईश्वर ने मुझे बेटी दी है, मैं तो घर में बहू लाई थी कि घर को संभालेगी और हमारी सेवा करेगी। शादी के पहले तुम तो बड़ी आज्ञाकारी थी, मैं सोची थी तुम मेरी हर बात मानोगी, इसलिए तो अपने मानव के लिए तुम्हें पसंद किया था, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। नेहा बोली, अच्छा तो आपको बहू नहीं मशीन रूपी कामवाली चाहिए थी, आप जो कहती मैं हाँ में हाँ मिलाती तो मैं बहुत अच्छी। पर माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एहसास है, जब आप मुझे माँ का प्यार नहीं दे पाएंगी तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मैं बहू से बेटी नहीं बन पाऊंगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। अगले दिन रविवार था, सब घर में थे। नेहा सुबह उठकर सबके लिए उपमा बना रही थी। नेहा के ससुर कैलाश बाबू बोले, बहू एक प्याली और चाय पिला दो। नेहा बोली, पापा जी सुबह से आप दो कप चाय पी चुके हैं, ऐसा करती हूँ आपको नींबू वाली चाय देती हूँ, वो खराबी नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर कमला जी बोली, दूध और चाय पत्ती क्या तुम्हारे मायके से आती है जो इतनी कंजूसी कर रही हो? नेहा बोली, मम्मी जी दूध और चाय पत्ती तो बाजार से ही आता है, पर इतने अच्छे ससुर जी कहाँ मिलेंगे, इनका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। और वो अपना काम करने लगी। कैलाश बाबू बोले, देखो बहू मेरी बेटी बनकर मेरा ध्यान रखती है, तुम मेरी तो चिंता छोड़ ही दो, और ये कटु वचन की जगह सुबह सुबह मीठे वचन बोलो, तभी घर में शांति बनी रहेगी। जब सब नाश्ता कर रहे थे तो कमला जी बोली, मैं सोच रही हूँ बेटी कुसुम को कुछ रोज यहाँ बुला लेती हूँ। वहीं नेहा के पति मानव बैठे थे, वो बोले, माँ आप कुसुम को उसके ससुराल में बसने देगी कि नहीं, हर महीने दो महीने में उसे बुला लेती है, अभी तो पिछले महीने वो गई है। कमला जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी बेटी के आने पर तुम्हारा खर्चा बढ़ जाता है, मेरी भी इच्छा होती है अपनी बेटी के साथ रहने की। तभी कैलाश बाबू बोले, ठीक है इसका एक उपाय निकालते हैं, बहू तुम भी तो कब से अपने मायके जाना चाहती थी, ऐसा करो कुछ रोज के लिए तुम मायके चली जाओ और कुसुम को हम यहाँ बुला लेते हैं, फिर तो ठीक है। कमला जी बोली, क्यों शादी के पहले नेहा और कुसुम तो एक साथ बड़ी खुशी से रहती थी, अब वो ननंद क्या बन गई इसे तकलीफ होने लगी, और अगर ये चली गई तो घर का सारा काम कुसुम पर आ जाएगा। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे कुसुम के साथ कोई परेशानी नहीं है, बस आपके ऐसे व्यवहार से परेशानी है, वो जब भी आती है हम दोनों पुरानी सहेलियों की तरह ही रहते हैं, पर आप बार बार उन्हें याद दिलाती है कि वो मेरी ननद है, तो अपना व्यवहार बदले, क्यों पुरानी सहेलियों को ननद भाभी के चक्कर में डाल रही है। कुछ रोज कमला जी मुंह फुलाए बैठी रही। नेहा मानव से बोली, आप मम्मी जी को मना लीजिए, आपके शब्दों से वो नाराज होती है और सारा गुस्सा मुझ पर निकालती है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानव बोले, समझ में नहीं आता, शादी के पहले माँ तुम्हें बड़ा पसंद करती थी,
अभी साल भर नहीं हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नेहा मानव को समझाई, पहले की बात अलग थी, अब रिश्ता होने के बाद माँ बाप बच्चों पर अधिकार समझने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि पहले जो रिश्ता था मन में वही बना हुआ है, तो वहां अधिकार की जरूरत ही नहीं है। खैर छोड़िए, आप उन्हें मना लीजिए। इतना कहकर नेहा अपना काम करने लगे। मानव माँ के पास थोड़ी देर बैठे और बोले, माँ एक बात पूछूं? आपको मेरी कसम, सच सच कहना। कमला जी बेटे को दुलार करते हुए बोली, हाँ बेटा बोलना। मानव बोला, माँ यही नेहा थी जो आपको कितना पसंद थी। घर वाले एक तरफ थे और आप एक तरफ थी कि इसे ही आप बहू बनाएंगे, फिर अब क्या बात हो गई जो आप हमेशा नाराज ही रहती है। कमला जी बोली, ये पहले वाली नेहा नहीं है, पहले वो मेरी हर बात सुनती थी पर अब मुझे ही अच्छे बुरे का ज्ञान देती है। मानव बोला, माँ वो इसलिए कि पहले हमारा रिश्ता नहीं था तो आप जो बोलती थी वो सर झुकाकर मान लेती थी, अब आप उसकी सांस के साथ साथ माँ भी है। आपका ध्यान रखना, आपके लिए अच्छा बुरा क्या है इस पर बोलना क्या गलत है। अब ये सोचिए, आपकी वजह से वो अपने मायके नहीं जाती है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भी आपकी शिकायत खत्म ही नहीं होती। माँ क्या सच में नेहा बदल गई? एक बार सोच कर देखेगा। रात में जब कमला जी अपने सर पर हाथ रखकर लेटी हुई थी तो कैलाश बाबू कमरे में आए और बोले, क्या बात है कमला, किस सोच में डूबी हो? कमला जी उठकर बैठ गई और सारी बात बताई। कैलाश बाबू बोले, तुम खुद सोचो, जिस लड़की की तारीफ करते तुम थकती नहीं थी, उसकी शादी को एक साल नहीं हुए कि तुम उसमें कमियां निकालने लगी। बताओ तुम अंतर कर रही हो या नहीं? अरे वो तो तुम्हारी बच्ची जैसी है, जैसे उसे ढालना चाहोगी वो ढल जाएगी, पर शक्ति से नहीं, प्रेम से, मातृत्व से करने की जरूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कभी वो बड़ों की तरह मुझे समझाती है और कभी बच्चों की तरह मेरे साथ खेलने लगती है। कैलाश बाबू की बातें सुनकर कमला जी को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उनका ही मन बदल गया था, क्योंकि जो लड़की शादी के पहले उन्हें इतनी पसंद थी और शादी के बाद क्यों बुरी लगने लगी? इसका मतलब है कमला जी उस पर अपना आधिपत्य चाहती थी, तो ये दूरियां तो आनी ही थी। अगले दिन मानव बोला, माँ क्या कुसुम को कुछ रोज के लिए बुलाना है? कमला जी बोली, क्या जरूरत है, अभी तो कुछ दिन पहले गई है और बहू के रहते घर में तो चहल पहल बनी ही रहती है, मुझे बेटी की कमी नहीं खलती, रहने दो उसे अपने घर में, मेरे घर में जो लक्ष्मी है मेरे लिए बहुत है। कमला जी की बातें सुनकर नेहा हैरान हो गई कि आखिर ये बदलाव कैसे आया। उनके इतना कहते ही नेहा पहले की तरह भागकर उनके गले लग गई और उन्हें प्यार करने लगी और बोली, मेरी अच्छी मम्मी जी, आज मैं आपके लिए वही कड़क वाली चाय बनाऊंगी। नेहा की चुलबुली बातें सुनकर कमला जी के चेहरे पर हंसी आ गई और फिर से घर में वही रौनक छा गई। दोस्तों ये सच है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो सास ससुर उस पर अपना अधिकार क्यों समझते हैं? जिस तरह वो अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे तो किसी भी लड़की का व्यवहार ना बदले और उसे मायके की याद ना आए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।